गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सुभाष चंद्र। टुडे विल बी स्टडी अबाउट द फिजिक्स एंड द टॉपिक इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। इन द प्रीवियस क्लासेस वी विल हैव द स्टडी अबाउट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, एंड टुडे विल बी स्टार्ट the measurement of the solid of area. So start now measurement of measurement of area. What is area? Area होता क्या? The any substance which is cover the surface of any place that is known as its area. अगर कोई भी वस्तु को हम किसी भी प्लेस पर ले जाकर के रखते हैं तो वह उसके सरफेस को जितना कवर करता है वही उसकी क्या कहलाती है? एरिया कहलाती है। जैसे यह डस्टर है, इस डस्टर को हमने अगर ऐसे हाथ पर रखा तो इसका जो सरफेस है जितने प्लेस को कवर किया वह इसका क्या कहलाएगा? एरिया कहलाएगा। सेम कंडीशन, यह पूरा क्या है? एक बोर्ड है और इस बोर्ड ने क्या किया है? इस दीवार को, इस वॉल को कवर कर दिया है। तो जितना ये इस सरफेस या जितने सरफेस को इस बोर्ड ने कवर किया है वही इसकी क्या हो जाएगी? एरिया हो जाएगी। और एरिया की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर। क्या होती है? मीटर स्क्वायर होती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लेसेस आर प्रेजेंट एंड वी फाइंड दैट दीज एरिया। सो द एरिया आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज द रेगुलर सबस्टेंस एरिया, रेगुलर and irregular, यानी जो हम एरिया निकालते हैं वो दो चीजों का निकालते हैं, या तो कोई रेगुलर चीज हो उसका हमें एरिया निकालना हो, या कोई इरेगुलर चीज हो उसका अगर हमें एरिया निकालना हो तो हम इनका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि रेगुलर कोई चीज अगर है, रेगुलर शेप में कोई है सबस्टेंस या थिंग्स, तो उसकी एरिया को हम कैसे निकालते हैं। वी नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सबस्टेंस ऑफ थिंग्स प्रेजेंट इन द यूनिवर्स बट देयर शेप आर नॉट सेम एंड सम आर स्मॉल और सम आर बिग। इसमें से कुछ ऐसी थिंग्स होती हैं जो बड़ी होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो छोटी होती हैं। तो छोटी चीजों का अगर हमें एरिया निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? छोटे यूनिट का प्रयोग करते हैं। जैसे यह चाक है, इस चाक के द्वारा अगर हमें इस चाक का एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे? सेंटीमीटर का यूज करेंगे, मिलीमीटर का यूज करेंगे, या इसका अगर हमें एरिया निकालना हो तो किसमें निकालेंगे? सेंटीमीटर में निकालेंगे या मिलीमीटर में निकालेंगे। इसके अपोजिट अगर हमें किसी फील्ड की एरिया निकालनी हो या किसी डिस्ट्रिक्ट के एरिया निकालनी हो तो उसके लिए हम या तो किलोमीटर का यूज करेंगे या फिर एकड़ का यूज करेंगे या फिर हेक्टेयर का यूज करेंगे, जिसके द्वारा हम इनका क्या करते हैं? एरिया को निकालते हैं या फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले कुछ निश्चित एरिया होते हैं जिनको हम लोग जानते हैं, जैसे स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? एक सर्टेन एरिया होता है या एक सर्टेन शेप होता है। इसलिए स्क्वायर का जो एरिया होता है या जो फिगर होता है कुछ इस तरह होता है। इसमें एरिया स्क्वायर में जितने भी साइडें होती हैं सब क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसका जो फार्मूला हो जाता है उसको हम कहते हैं ए स्क्वायर, क्योंकि ए बी साइड क्या होगी? बराबर। ए बी साइड क्या होगी? बराबर। ये जो बात हुई किसकी? स्क्वायर की। अगर स्क्वायर के बाद अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड होते हैं वो बराबर होते हैं,
यानी रेक्टेंगल की है जो साइड होती है और यह जो साइड होती है वो क्या होती है, सेम होती है, और इसके जो ये एंगल होते हैं सब 90 डिग्री के होते हैं। तो यह क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। मान लिया यह साइड कितनी है ए, यह साइड कितनी है बी, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा ए इंटू बी, ए इंटू बी हो जाएगा। यह किसका एरिया हो जाएगा, रेक्टेंगल का। इसी प्रकार अगर हम सर्किल की बात करते हैं, सर्किल सर्किल का मतलब क्या, वृत्त के एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार अगर कोई ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना होता है तो क्या करते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए फार्मूला होता है हाफ हाइट इंटू बेस। यह क्या हो गया, हाइट हो गया, और यह क्या हो गया, बेस हो गया। तो बेस और हाइट के द्वारा हम क्या करते हैं, ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। ये कैसी चीजें हो गई, ये चीजें जो हमने निकाला या जो भी सर्टेन शेप थे, डिफरेंट शेप थे, रेगुलर शेप थे, इनका हम फार्मूला से निकाल लेते हैं। अब थोड़ा हम यूनिट्स के बारे में देख लिया जाए, तो जो छोटे यूनिट्स होते हैं उनको हम इसमें, जैसे सेंटीमीटर हुआ, मिलीमीटर हुआ, बड़े जो यूनिट्स हुए वो हेक्टेयर हुए, एकड़ हुए, किलोमीटर हुआ, तो थोड़ा जान लिया जाए कि एक एकड़ में कितने मीटर होते हैं, एक हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं और एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। इन छोटी छोटी चीजों को जानना पड़ेगा, क्योंकि इनका यूज हम अलग से जो क्वेश्चन होंगे या जो प्रॉब्लम्स आएंगे उन प्रॉब्लम्स में इनका यूज है। सो वी नाउ द स्टडी द सम यूनिट्स ऑफ द स्मॉलर एंड बिगर, लाइक है वन एकड़ इक्वल होता है 100 मीटर स्क्वायर, यानी वन एकड़ में कितने होगा, 100 मीटर स्क्वायर होगा। अगर हम बात करते हैं वन हेक्टेयर इक्वल होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, यानी 10,000 मीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा, एक हेक्टेयर के बराबर होता है। इसी प्रकार एक किलोमीटर बराबर होता है 10 लाख मीटर स्क्वायर के, यानी 10 लाख मीटर स्क्वायर, 10 लाख होता है, इसमें यह बराबर होगा किसके, 1 किलोमीटर स्क्वायर के, या हम किसी को अगर हमें इसमें बदलना हो हेक्टेयर में, तो हेक्टेयर में अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसमें इनसे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 100। देखिए 1 2 3 4 100 हेक्टेयर, यह 100 हेक्टेयर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका प्रयोग हम किसमें करेंगे, अगर एकड़ में कोई चीज अगर मेजरमेंट करना हो तो ये हमें याद होना चाहिए कि जो 1 एकड़ होता है वह 100 मीटर स्क्वायर के होता है, 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, और 1 किलोमीटर जो होता है वो 10 लाख मीटर स्क्वायर, या इसी को और हम अगर छोटा कर सकते हैं तो लिख सकते हैं 100 हेक्टेयर, यानी 100 हेक्टेयर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये हुआ कि इसके इसका मेजरमेंट अगर हमें करना हो किसी बड़े फील्ड का, किसी बिगर फील्ड का अगर हमें एरिया निकालना हो तो इन यूनिट्स का हम प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार छोटे यूनिट भी होते हैं, जैसे सेंटीमीटर हुआ, मिलीमीटर हुआ, इनका भी प्रयोग हम लोग करते हैं। आइए कुछ रिलेशन जान लिया जाए जिसके द्वारा मेजरमेंट हम करेंगे। अगर 1 सेंटीमीटर को हमें किसमें कन्वर्ट करना हो, मीटर में कन्वर्ट करना हो, तो कैसे करेंगे, तो हम देख सकते हैं, यहाँ देखिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई
1 सेंटीमीटर। हमको पता है या वी नो दैट 1 सेंटीमीटर को अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेशन करना पड़ेगा। फिर यहाँ भी 1/100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेशन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमको मिल जाएगा यहाँ पर 1/10,000। ये हो जाएगा और मीटर का मीटर में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमें इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा क्या, 1, 2, 3, 4 मीटर स्क्वायर। यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने के बराबर होगा, 0.0001 मीटर स्क्वायर में क्या होता है, ये बराबर होता है। इसी प्रकार तो हमने सेंटीमीटर यानी अगर कोई छोटा यूनिट्स है उसको बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या किए हैं, डिवाइडेशन किए हैं। और अगर कोई बड़ा यूनिट है उसको छोटे यूनिट में करना है तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। इसी प्रकार अगर 1 मिलीमीटर स्क्वायर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर मल्टीप्लाई 1 मिलीमीटर कर सकते हैं। अब देखिए हमको पता है कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/1000। देखिए यहाँ मीटर, फिर यहाँ देखिए 1/1000, फिर यहाँ मीटर लिख देंगे। अब क्या होगा, 1/ कितने जीरो हो गए, 6, 6 जीरो, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ लगा देंगे तो हो जाएगा 9 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो इस प्रकार अगर कोई बड़ी यूनिट दी गई हो और उसे छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर कोई छोटा यूनिट है उसको बड़े में कन्वर्ट करना है तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देते हैं। सो वी स्टडी दैट रेक्ट एरिया ऑफ द रेक्टर से इफ वी फाइंड दैट एरिया ऑफ ई रेक्टर से लाइक दैट एनी leaves, find the area of this leaves, then the leaves shape is irregular, so we find not by any formula its area, so uses the sum activity and we use the graph paper। इसलिए इसको हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा और उस ग्राफ पेपर पर हम इस लीव्स को ले जाकर के रख देंगे और उस पर डॉटेड लाइन से उसके चारों तरफ खींच देंगे, ड्रा कर देंगे। ड्रा करने के बाद हम देखेंगे कि कितने ऐसे प्लेस हैं जिनको इस लीव्स ने पूरा कवर कर लिया है और कितने ऐसे खाने हैं जिनको इसने पूरा नहीं कवर किया है बल्कि कुछ कवर किया है। फिर उनका हम क्या कर लेंगे, काउंटिंग कर लेंगे और काउंटिंग करने के बाद फिर उनको लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, एक ड्रॉप पेपर लेंगे। मान लिया वह ड्रॉप पेपर क्या था, एक ड्रॉप पेपर लिया, एक ड्रॉप पेपर लिया। इस ड्रॉप पेपर में जो ईच each gap or each boundary let me 1 centimeter square। हम मान लेंगे कि एक जो खाना है वह खाना कितना है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। अब जो लीफ हमने यहाँ पर ऐसे बनाया हुआ था, इस लीफ का हमें क्या पता करना था, एरिया। इस लीफ को ऐसे उठाएंगे और इस पर लाकर के रख देंगे
और जैसे ही ला करके रखेंगे तुरंत ही हम क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे कि कितने ऐसे कैट थे जिसको इसने पूरा का पूरा कवर कर लिया है और कितने ऐसे थे जिसको इन्होंने पूरा कवर नहीं किया है। तो इस प्रकार हम जितने जितने स्क्वायर को इन्होंने पूरा कवर किया है उसको काउंट कर लेंगे और जिसको इन्होंने कम कवर किया है उसको भी काउंट कर लेंगे। तो देखिए देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है इसको इन्होंने क्या किया है पूरा यहाँ से कवर कर दिया है। सॉरी आपसे देख लीजिए छोटा बन गया था, थोड़ा ऐसे बना देंगे, ऐसे कर देंगे और ऐसे कर देंगे, फिर यहाँ ऐसे बना देंगे और यहाँ बना देंगे, फिर ऐसे कवर कर देंगे। ठीक, फिर यहाँ इनको ला करके उठा करके ऐसे यहाँ पर रख देंगे, फिर एक डॉटेड लाइन ऐसे हम क्या कर देंगे खींच देंगे और खींचने के बाद फिर हम अब ये काउंट कर लेंगे कि कितने ऐसे सरफेस थे जिनको इन्होंने पूरा कवर किया है। तो ये जो स्क्वायर है इसको इन्होंने पूरा कवर किया है या नहीं, और ये जो स्क्वायर है इसको इन्होंने पूरा नहीं कवर किया है, थोड़ा सा छूट गया है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ डील, एरिया ऑफ डील इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज लेट द 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इच द ब्रैकेट आर इज द एरिया। हम एक एक जो ये खाने हैं इन एक एक खानों को क्या मानेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अब कितने ऐसे खाने हैं जो हाफ मोर देन आर लेस देन है, इनको काउंट कर लेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ हमारे पास ऐसे मिले स्क्वायर जिसको इन्होंने या तो आधे से अधिक कवर किया है या आधे से कम कवर किया है। इस प्रकार हम किसी भी लीफ का क्या कर सकते हैं एरिया मेजरमेंट कर सकते हैं। जहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है या पूछ लेगा। अब हम अगला टॉपिक अपना शुरू करने जा रहे हैं जिसको कहते हैं डेंसिटी, और डेंसिटी के बाद तब फिर आपका स्पीड शुरू हो जाएगा। सो द नाउ स्टार्ट डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी है क्या या डेंसिटी कहते किसको है, और डेंसिटी जानने के लिए कुछ एग्जांपल या कुछ उदाहरण हम लोगों को जानना है। जैसे अगर हम कोई भी चीज ले, मान लिया ये बॉक्स हमने ले लिया, ठीक, ये बॉक्स मान लिया कैसा है खुला हुआ है। अब इसमें हम कुछ रुई भर दें, पूरा इस बॉक्स में क्या भरा हो रुई भी भरा हो, और इसके बाद इसको हम क्या कर लें तौल लें, फिर सारी रुई को निकाल करके फिर इसी में ला करके हम आयरन का नेल डाल दें। तो आयरन का नेल डाल देंगे और डालने के बाद फिर हम इसको क्या करेंगे मेजरमेंट कर लेंगे। तो आप देखेंगे इन दोनों में से भारी कौन था, लोहा भारी था या जो रुई थी वो भारी थी। निश्चित रूप से आप कहेंगे कि लोहा भारी था, क्यों, क्योंकि लोहा जो है उसकी डेंसिटी ज्यादा है और जो रुई है उसकी डेंसिटी क्या है कम है। यानी डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी इज द मास ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, किसी भी सब्सटेंस का एकांक यूनिट में जितने अधिक मात्रा में कोई भी सब्सटेंस का मास रखा जा सकता है वही उसकी क्या होती है डेंसिटी होती है। डेंसिटी, अब मास क्या होता है, मास मैंने आपको पहले ही बताया है, द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन ए बॉडी इज कॉल्ड मास। कोई भी वस्तु जितने पदार्थों से मिलकर के बनी हुई होती है वही उसकी क्या होती है मास होता है, द्रव्यमान होता है। मैंने कहा है मास कभी बदलता नहीं है,
जबकि वेट जो होता है वो क्या होता है, चेंजेबल होता है, परिवर्तनशील होता है, जबकि मास बदलता नहीं है। अगर आप किसी एल्यूमिनियम की प्लेट लें और किसी लोहे की प्लेट लें तो दोनों में से कौन भारी होगा? आप निश्चित रूप से कहेंगे क्या, एल्यूमिनियम की प्लेट हल्की होगी और लोहे की प्लेट क्या होगी, भारी होगी। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है और एल्यूमिनियम की डेंसिटी उसके कंपैरिजन में कम है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी भी पर यूनिट वॉल्यूम में उपस्थित मास को ही हम क्या कहते हैं, उसकी डेंसिटी कहते हैं। यानी डेंसिटी इज द मासेस ऑफ पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। अगर हमें रिलेशन निकालना हो तो लिखते हैं हम कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। मास ओवर वॉल्यूम डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज द मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। यानी डेंसिटी किसी भी यूनिट वॉल्यूम में उपस्थित पदार्थों की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी की यूनिट होती है, इसकी यूनिट हम सीजीएस सिस्टम में, एमपीएस सिस्टम में या एसआई सिस्टम में अलग अलग होती है। जैसे हमको पता है कि एसआई यूनिट होती है, उसमें मास की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, यूनिट ऑफ मास। तो मास की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम, और वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन की जो यूनिट होती है वो मैंने बताया आपको मीटर क्यूब होती है। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं इसका, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये क्या हो गई, इस डेंसिटी की यूनिट हो गई। अगर हम इसको छोटे में और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं किलोग्राम एम पे पावर 3, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये भी बात और ये भी बात और ये भी बात, सब बातें क्या है, सेम है। अगर हमें इसको छोटे रूप में लिखना है यानी सीरियल सिस्टम में लिखना है तो क्या हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हम दूसरे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, ग्राम